साधु का शॉर्ट डेफिनेशन ऐसा कहता है कि संबंध लॉस इज संबंध गेन। ये नियम व्यापार में बराबर लगता है, पर आध्यात्मिक जगत के बादशाह महात्माओं को यह नियम नहीं लगता। सुख दुख उन्हें होता है जो दूसरों के अधीन होते हैं, पर जो खुद के अधीन होते हैं उसे सुख और दुख कैसा। एक फकीर की बात कही पड़ी थी। एक छोटा सा गांव था, उस गांव की एक छोटी सी झोपड़ी में वो फकीर रहता था। उसको मानने वाले लोग उसे हर रोज खाना पीना देते थे, कभी कभी बहुत अच्छी मिठाइयां लाकर कोई धनवान दे जाता था, पर फकीर का मुंह तो वैसा का वैसा ही रहता था। उसके मुंह की एक भी लकीर बदलती नहीं थी। एक बार उस गांव का मुखिया, जो उस फकीर को मानता था, उसने फकीर की परीक्षा करने का विचार किया। उन्होंने दो थालियां भोजन में भेजी, एक में मिठाइयां थी और एक में गाय का गोबर। फकीर के शिष्य को भी मुखिया ने बोल रखा था। फकीर अपनी भक्ति में लीन था और शिष्य ने उसके मुंह में एक चम्मच मिठाई का रखा। भक्ति करते करते फकीर ने मिठाई खाई। शिष्य ने दूसरा चम्मच गोबर से भरकर फकीर के मुंह में रखा। उसी प्रसन्नता के साथ फकीर ने वो चम्मच भी गटक ली और प्रभु की भक्ति करता रहा। गांव के मुखिया को अजीब सा लगा, क्या फकीर को पता भी नहीं चला। 2 घंटे के इसी क्रम के बाद फकीर भक्ति से बाहर आया और उस मुखिया ने उससे पूछ लिया, तुम क्या खा रहे थे वो तुम्हें पता है। फकीर बोला, क्या खा रहे थे वो महत्व का नहीं है, पर कौन खिला रहा है वो महत्व का है। मालिक की मर्जी जैसी हो वैसा ही खाना मिलता है, उसमें नाराज या खुश होने की जरूरत ही क्या है। मुखिया ने फकीर से क्षमा मांगी और अपने स्थान पर लौट गया। समझने जैसी चीज यह है कि सबसे ज्यादा हमारा मन इसी खाने पीने में दौड़ता है और उसी में हमें राग और द्वेष होता है, जबकि उच्च साधकों को ऐसा कुछ भी नहीं होता। वही बात श्री तंदुल वैचारिक पेन्ना में लिखी है कि साधु महात्मा उन चीजों में सुखी या दुखी नहीं होते हैं। सुख दुख जिन्हें होते हैं वे संसारी, और जिन्हें ये नहीं होते हैं वे साधु। यह साधु का शॉर्ट डेफिनेशन है। जय जिनशासन, जय महावीर।